चार मित्र थे, एक हिरण, एक कौवा, एक तिल और एक कछुआ। चार दोस्तों का एक असामान्य समूह एक जंगल के अंदर रहता था। वे हर दोपहर एक छायादार बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और घंटों बातें करते। एक दिन हिरण सामान्य समय पर नहीं आया। तिल, कछुआ और कौवा चिंतित थे। तिल कौवे की ओर मुड़ा, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इधर उधर उड़ते हैं और देखते हैं कि हिरण कहाँ है। कौवे ने सिर हिलाया और उड़ गया। उसे हिरण को खोजने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। दुर्भाग्य से हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया था। मित्र हिरण, क्या हुआ? कौवा रोया। हिरण ने आह भरी, मैं आमतौर पर बहुत सावधान रहता हूँ जहाँ मैं अपना कदम रखता हूँ, लेकिन यह जाल अच्छी तरह छुपा हुआ था। मैं अब फंस गया हूँ। शिकारी के यहाँ आने में अभी कुछ ही समय बाकी है, मुझे कुछ मदद मिलेगी, कौवे ने फड़फड़ाते हुए कहा। वह जल्दी से बरगद के पेड़ के पास गई जहाँ तिल और कछुआ इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो हुआ था। मित्र कछुआ, तुम यहीं रुको, तिल ने कहा, मैं कौवे के साथ जाऊंगा और जाल काट दूंगा। हमारा दोस्त मेरे तेज दांतों से फंस गया है। कौवे ने अपनी चोंच में लगे तिल को उठा लिया और तेजी से उड़कर उस स्थान की ओर भागा जहां हिरण फंसा था। हिरण अपने दोस्तों को देखकर खुश हुआ। तिल जाल से काटने लगता है। यह कठिन काम था, लेकिन जल्द ही हिरण मुक्त हो गया। धन्यवाद दोस्त तिल। जाल से बाहर निकलते ही हिरण चिल्ला उठा, आह, लगता है हमारा दोस्त आजाद है। झाड़ियों से आवाज आई। यह कछुआ था जो धीरे धीरे मौके पर चला गया था। कुछ ही देर में शिकारी आ गया। हिरण तेजी से भागा, कौवा उड़ गया। तिल ने छिपने के लिए जल्दी से एक गड्ढा खोदा, लेकिन कछुआ बहुत धीमा था। जाल को काटे हुए देखकर शिकारी हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी नजर धीमी गति से चलने वाले कछुए पर पड़ी। मैंने हिरण खो दिया, लेकिन यह कछुआ एक अच्छा सूप बना देगा, उसने मन ही मन सोचा, जैसे उसने कछुए को रस्सी से बांध दिया। धतेरे की, हमने अपना दोस्त खो दिया है, कौवा रोया। नहीं, अभी भी उम्मीद है, तिल ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने दो दोस्तों को एक योजना फुसफुसाते हुए कहा। कछुआ अपनी पीठ पर बिठाकर शिकारी वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता उसे एक झील के पार ले गया। उसने देखा कि एक हिरण का शव घास पर पड़ा है। एक कौवा हिरण के सींगों पर बैठा उसकी आंखों को चोंच मार रहा था। शिकारी को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक हिरण खो दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा मिल गया है, और मुझे इसे मारना भी नहीं है, उसने अपने आप से कहा। कछुआ मुस्कुराया, उसके दोस्त उसे बचाने आए थे। शिकारी ने कछुआ को जमीन पर छोड़ दिया और हिरण की ओर भागा। तिल झाड़ी से बाहर भागा और जल्दी से रस्सी काट दी। कछुआ आजाद था। मित्र कछुआ, भागो, तिल रोया। एक कछुए के लिए, वह बहुत तेजी से सीधे झील की ओर बढ़ा। इस बीच शिकारी लगभग हिरण के पास पहुंच ही गया था। कौवा देख सकता था कि कछुआ अब झील में सुरक्षित है। काओ, काओ, वह रोई और उड़ गई। वह संकेत था। हिरण अपने पैरों पर उछला और भाग गया। शिकारी के पास